हेलो बच्चों, आज की कक्षा में कलरव का विषय है। हिंदी भाषा की बुक है ये और कक्षा 3 के लिए है। तो कक्षा 3 वाले बच्चे अपने अपनी किताब निकालें और आज जो चैप्टर होगा उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद गृह कार्य भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक मार दें। उसके बाद बेल आइकन आएगी, उसको भी प्रेस कर दें, दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। चलते हैं, आज कौन सा चैप्टर है? कक्षा 3 की बुक है, कलर ऑफ हिंदी भाषा की, और बहुत ही अच्छा पार्ट है 7। इसमें क्या शक है? एक तोता और एक राजा की कहानी है, इसमें क्या शक है? तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे पाठ, उसके बाद जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर देने होंगे। देखते हैं क्या है पाठ में। राजा के पास एक आदमी आया। राजा के पास एक आदमी आया, उसके पास एक तोता था। उसने राजा को तोता दिखाया और कहा, महाराज, ये बड़ा होशियार तोता है, आपसे बात भी कर सकता है। फिर क्या हुआ? राजा ने तोते को देखा और तोते से पूछा, अच्छा तो तुम बात भी कर सकते हो? तोता बोला, तोता ने क्या उत्तर दिया? हाँ, इसमें क्या शक है? राजा प्रसन्न हुआ और तोते को महल में ले आया। इतनी बात सुनकर क्या हुआ? तोते को महल में ले आया। ये देखो, चित्र में दिखाई पड़ रहा है, राजा और तोता ये महल में लेके आ गया। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन राजा ने तोते से पूछा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? राजा ने प्रश्न किया, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? तोता ने, इसमें क्या शक है? इसमें क्या सके आंसर दिया, उत्तर दिया। फिर राजा कहता है, मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है। उसके बाद क्या हुआ? फिर तोते ने आंसर दिया, हाँ इसमें क्या शक है। फिर राजा ने प्रश्न किया, क्या मेरा कोई शत्रु भी है? तो तोता फिर बोला, इसमें क्या शक है? इसके तुरंत बाद राजा ने फिर प्रश्न किया, तुम उसे जानते हो? तोता ने आंसर दिया, इसमें क्या शक है? राजा ने फिर पूछा, उसका नाम बताओगे? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, बताओ ना। फिर तोता बोला, इसमें क्या शक है? राजा, बताओ भी। तो तोता कहता है, इसमें क्या शक है? तो राजा फिर कहता है, क्या एक ही रट लगा रखी है? तोता, इसमें क्या शक है? तो राजा कहता है, बेवकूफ हो क्या? तोते से कहता है, बेवकूफ हो क्या? तोता, इसमें क्या शक है? फिर राजा कहता है, मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें खरीद कर लाया। तोता, इसमें क्या शक है? तो ये था पाठ। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। देखते हैं पहला प्रश्न, तोते वाले आदमी ने राजा से क्या कहा? उसने कहा कि तोता बहुत होशियार है और आपसे बात कर सकता है, इसका ये उत्तर लिख देंगे। सेकंड प्रश्न है, तोते ने राजा के हर प्रश्न का क्या उत्तर दिया था? तो उसका एक ही आंसर था, उत्तर था, इसमें क्या शक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, राजा ने तोते को बेवकूफ क्यों कहा? क्योंकि भाई एक ही रट लगा रखा था, कि इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, राजा उधर से जा रहा था, राजा उधर से जा रहा है, राजा उधर से जाएगा। इसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। एक हमारा जो पहला सेंटेंस है वो भूतकाल यानी पास्ट, और सेकंड ये सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान काल का है, और तीसरा वाला राजा उधर से जाएगा ये भविष्य काल का है। तो कह रहे हैं इस उदाहरण की तरह ही नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। जैसे मोहन अमरूद खा रहा था, हम यहाँ नोट कर देंगे खा रहा था। सेकेंड वाला, मोहन अमरूद खा रहा है। फिर थर्ड वाला, मोहन अमरूद खाएगा।
ये हमारा भविष्य काल का बन जाएगा। इसी प्रकार मरियम गाना गा रही थी, ये हमारा पास्ट हो जाएगा। मरियम गाना ये पढ़ेंगे हम, मरियम गाना गा रही है, ये हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है मरियम गाना गाएगी, ये हमारा भविष्य काल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये बात ये कंप्लीट कर लेंगे अपनी बुक में सभी। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, भाई लड्डू खाता है, बहन लड्डू खाती है, नीचे दिए गए शब्दों में इसी प्रकार लड्डू खाता है, लड्डू खाते का प्रयोग करना है। सही समझ गए, पहला है राजा तो हम क्या लिखेंगे, राजा लड्डू खाता है। सेकंड है रानी, रानी लड्डू खाती है, हम नोट कर देंगे। इसके बाद आता है माँ लड्डू खाती है, नोट कर देंगे। सलीम लड्डू खाता है, नोट कर देंगे। तो ये था हमारा होमवर्क, कंप्लीट करेंगे। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।